नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है श्योर सक्सेस में। तो आज की पीआईबी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ आइटम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करने का, उसके बारे में यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हम वर्क कर रही है। और वो बोलिए, दे आर वर्किंग सिंसियरली एंड ऑनेस्टली टू फुलफिल आवर प्राइम मिनिस्टर्स ड्रीम टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2020। तो श्री राधा मोहन जी ने कहा है। तो फिर ये इन्होंने क्या बोलते हैं, 7 पॉइंट स्ट्रेटजी बनाई है ताकि फार्मर की इनकम डबल हो सके 2022 तक। तो फिर देखते हैं ये 7 पॉइंट स्ट्रेटजी है क्या। पहले तो ऊपर ऊपर से एक बार हम पॉइंट्स देख लेंगे। 7 पॉइंट स्ट्रेटजी में कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, दूसरा है इफेक्टिव यूज़ ऑफ इनपुट कॉस्ट, थ्री रिडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फोर वैल्यू एडिशन, फिफ्थ रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सिक्स्थ रिस्क सिक्योरिटी एंड असिस्टेंस, सेवन्थ एलाइड एक्टिविटीज़। तो फिर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा और ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी है साथ में, क्योंकि हमको इसमें से बहुत सारे काफ़ी फॉर्डर मटेरियल और काफ़ी इसमें पॉइंट्स मिलेंगे जो कि हमको मेंस में एसे राइटिंग में बहुत काम देंगे। और आजकल मार्केटिंग मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कुछ भी हमको कुछ भी लिखना होगा, अगर बोलते हैं कि अगर इनकम डबल करनी होगी, तो फिर ये एसे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर मैं इसके लिए आपको मैं शॉर्टकट में मैंने एक नोट्स बनाया था, उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने ये अलग अलग कॉलम बना दिए। तो पहला पॉइंट जो था यहाँ पर, तो यहाँ पर है पहला पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप की हेल्प से। और इसके लिए सरकार ने कौन सी योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो फिर मैंने इसको इसलिए अलग अलग बॉक्स में बांटा है ताकि हम एक जब हमारे पास मेंस का पेपर आता है एसएवी लिखने के लिए आएगा, तो हम ऐसे करके ब्रॉड ब्रॉड पॉइंट्स फॉर्म में एक बड़ी हेडिंग डाल देंगे और उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे डाल देंगे, क्योंकि वो सारा मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि उन्होंने कुल मिला के वही सब बातें कही हैं घुमा फिरा करके, जो इसमें मेन मेन हमको हाईलाइटेड पॉइंट जो निकालने हैं हमें। तो एक पहला पॉइंट जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन में कहा था पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में, और PMKSY, इन सब के बारे में आप डिटेल में बाद में आप देख लेना, लेकिन यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर से सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन के लिए PMKSY और जिसे कहते हैं कृषि सिंचाई योजना। और दूसरा पॉइंट इस बोला है एफिशिएंट यूज़ ऑफ इनपुट कॉस्ट, जिसके अंतर्गत आता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आता है, जिसमें बोला जाता है कि नीम कोटेड यूरिया यूज़ करेंगे जो कि प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। और क्या क्या, KCC किसान क्रेडिट सेंटर, टाइमली ऑपरेटेड एंड इंफॉर्मेशन, ताकि मतलब जो भी किसान क्रेडिट सेंटर वो एंड सेंटर होते हैं, जैसे कुछ भी क्रॉप की कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप लगानी है, कोई बाढ़ आने वाली है या फिर क्रॉप ख़राब होने वाली है, तो फिर और बहुत सारी जितनी भी रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो फिर हम यहाँ से किसान क्रेडिट सेंटर से हम ले सकते हैं। अब थर्ड आता है डिक्रीज इन द रिडक्शन इन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, जो जैसे हार्वेस्टिंग कर देते हैं मतलब कि सारा के सारा धान वान सब कुछ काट वाट के हमने रख दिया है, लेकिन उसके बाद लॉसेज जो होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या प्रावधान सरकार ने बताया। तो इनके क्या इसमें एंकरेज टू यूज़ द वेयर हाउसेज, वेयर हाउसेज वो होते हैं जहाँ पे मतलब स्टोर हाउसेज कीपिंग होता है वहाँ पे कम टेम्परेचर पे, या फिर ऐसे ही स्टोर हाउसेज होते हैं वहाँ पे कोई कीड़े लगने का कोई खतरा नहीं होता है और बाकी सब केमिकल्स के थ्रू वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे रिसिप्ट दी जाती है, उनको पर्ची दी जाती है, कम कम दामों में वहाँ पे वो रख सकते हैं वेयर हाउसेस के अंदर। और लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार के द्वारा, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो भी सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, कि सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 4% 4% के इंटरेस्ट पे 4% के रेट पे लोन सपोज फार्मर लेता है, तो फिर जब उसको चुकाना होता है तो फिर सरकार बोलती है कि हम आपका 3% का जो लोन होगा हम अपनी तरफ से दे देंगे और बाकी 1% का आप दे दो। वैसे मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ठीक है, उसमें अलग अलग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अलग अलग हैं, तो फिर मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है आपको इंटरेस्ट सबवेंशन होता क्या है, कि सरकार आधा इंटरेस्ट देगी और किसान आधा देगा। और ये फोर्थ पॉइंट है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स का मतलब लो टेम्परेचर पे सपोज 4 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी धान होगा या फिर कोई भी फूड आइटम्स होगा उसको वो वहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है जो उसकी, तो कि इससे क्या होगा, जो आइटम होगा ख़राब नहीं होगा, बहुत टाइम तक काफ़ी देर तक चलेगा। चौथा पॉइंट क्या है, वैल्यू एडिशन। इसमें वैल्यू एडिशन बोला क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सामदा योजना। अब ये PMKSY के बारे में अच्छे से आप पढ़ लेना। तो इसमें क्या था है? क्या है कि मेनली जो मैं बता रहा हूँ इसमें होता है कि एग्रो प्रोसेसिंग को इंक्रीज करना, मतलब जो भी प्रोडक्ट सपोज रॉ प्रोडक्ट आया खेत से और जब उसको प्रोसेस करेंगे एक फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाएंगे तो उसे कहेंगे एग्रो प्रोसेसिंग, उसको मतलब कि बढ़ावा देना एग्रो प्रोसेसिंग को इसमें PMKSY में, प्रधानमंत्री किसान सामदा योजना में है। और इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन द फूड वेस्टेज को कम कर देंगे इसमें। और फिर
फोर्थ पॉइंट है रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसमें ई नैम सर्विसेज, गवर्नमेंट ने एक ई नैम पोर्टल बनाया है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें क्या होता है कि तुम जो भी मतलब किसान अपना अगर कुछ बेचना चाहता है ऑनलाइन और उसको अपनी कॉस्ट चाहिए, उसको जो कॉस्ट उसको मिलनी चाहिए जो उसकी, तो वो इस पोर्टल पर रख सकता है और उसको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज मिल जाएंगी। तो आप इस ई नैम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क, तो उसमें क्या है रिस्क सिक्योरिटी एंड असिस्टेंस। तो फिर वन मैंने लिखा है, वन रीड मतलब पी वो उस मैंने ये वन और ये वन मतलब दोनों सेम से हैं, पीएम के एस वाई यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो वन वन तो यहाँ पे पीएम के एस वाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आप यहाँ पे अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत में भी यहाँ पे सरकार आपको प्रावधान देती है। और कृषि सिंचाई योजना के बारे में अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप उसमें अलग अलग प्रावधान है। लोएस्ट रेट पे आपको खरीफ क्रॉप्स के लिए आप इंश्योरेंस करा सकते हो, रबी क्रॉप्स के लिए अलग है, तो 2% 1.5% है, अलग अलग है सबका, ठीक है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनसेशन भी देती है, अगर कुछ अनाज खराब हो जाता है तो फिर 33% कंपनसेट करेगी आप लोगों को। तो ये इंक्रीज इन द 1.5% आप मतलब टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है पहले से। और बाकी लास्ट पॉइंट क्या है अलाइड सर्विसेज़, इस अलाइड सर्विसेज में कौन सा है। पहला तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जी की, सब्जी से रिलेटेड होता है, जो भी हम सब्जी की प्रोडक्शन करते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें सपोज हम फिश फिश के डंग को, फिश के डंग को और कैटल के डंग को हम यूज़ कर सकते हैं हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में एज अ मैन्योर, ताकि इससे क्या होगा हमारी जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम डंग एक साथ, एक तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, हम जो उसका डंग है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हम एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक तो पॉल्यूशन कम होगा, हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज़ होगा, और साथ में साथ क्या होगी हमारी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ होगी। इंटीग्रेटेड मतलब सारे सारे जो भी फार्म्स एनिमल्स और हमारी एग्रीकल्चर लैंड है सबको इस्तेमाल में, सबको एक साथ इस्तेमाल करके हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क को, मिल्क प्रोडक्शन की इंक्रीज़ करना, जो कैटलिक्स के थ्रू वाइट रेवोल्यूशन लाना मतलब इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन। और ब्लू रेवोल्यूशन इट इज़ रिलेटेड टू द ओशन मतलब जो फिशरीज से रिलेटेड है, जो भी फिश के प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करना, इट इज़ रिलेटेड टू द ब्लू रेवोल्यूशन। फिर नेक्स्ट आइटम है सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। और फिर लास्ट के दो पॉइंट है रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट एंड बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी को, मधुमक्खी पालन होता है। रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग मतलब अपने घर के पीछे और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, वहाँ पोल्ट्री की मतलब कि जो चिकन्स होते हैं हम उसकी फार्मिंग कर सकते हैं, ताकि हम उससे चिकन या फिर मीट या फिर एग्स प्रोडक्शन कुछ भी कर सकें, ठीक है। तो इन सब के पॉइंट्स मैंने एक तो मैंने सारा इरेज कर दिया, दोबारा से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और ये सब मैंने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में सारे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है राजनाथ सिंह जी ने एक नई बिल्डिंग इनाग्रेट किया है, तो फिर इस बिल्डिंग का नाम क्या, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम इस बॉडी के बारे में देख लेंगे। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है एमएचए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जो कि बनाई गई थी 28 अगस्त 1970 में। और ये इट इज़ यूज फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज का, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बनाई गई थी। साथ ही साथ इसका काम क्या है, रोल क्या है इसका, इसका रोल है कि टू स्टडी द क्राइम पैटर्न्स और जो भी ट्रेंड्स ऑफ द कॉजेज ऑफ द क्राइम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एडमिनिस्ट्रेशन मैथड्स प्रोसीजर एंड टेक्निक्स ऑफ द पुलिस फोर्सेज एंड देयर मॉडर्नाइजेशन पुलिस एक्ट्स एंड मैनुअल्स। बस मेन काम यही है कि पुलिस की रिसर्च का जो भी क्राइम के पैटर्न को जानने का है, ठीक है। तो बस बॉडी आएगी तो मेन क्वेश्चन क्या बनता है ये कि किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो एमएचए के अंदर आता है। हेडक्वार्टर का कहाँ है, न्यू दिल्ली में। मेनली चार डिवीजन है, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, करेक्शनल। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एमएचए के अंदर आता है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन को, किसकी तरफ से, एनएसडीएफ की तरफ से। तो अब ये एनएसडीएफ है क्या, अब हम ये देख लेते हैं पहले। तो ये वेबसाइट ओपन है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर है। और एनएसडीएफ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या क्या इसके रोल हैं। ज़रूरत किसके लिए पड़ी, ओलंपिक्स में मेडल लाने के लिए। इंट्रोडक्शन क्या है, एनएसडीएफ इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 अंडर चैरिटेबल्स एंडोमेंट्स एक्ट 1890, ठीक है। और एनएसडीएफ क्या प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, टू एडमिनिस्ट्रेट एंड अप्लाई मनी, ताकि फंड करे, मनी मनी प्रोवाइड करे किनको, स्पोर्ट्स में जो भी लोग आगे हुए हैं उनको, जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, इन सब का यही काम है, टू प्रोवाइड द इक्विपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को टू एक्सेल इन द, मतलब चाहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हो वो अपने फील्ड में आगे जाए। तो मेन ये है, ऑब्जेक्टिव अगर देख लेना कौन कौन से है, तो ऑब्जेक्टिव ये मैंने बता दिया, देख लिया, पढ़ लेना आप यहाँ से। मेन वही है, फंडिंग करना और ट्रेनिंग देना, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल के जो कोचेज़ हैं उनका भी, उनको ताकि उनका एक्सपोजर दे उनको, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ प्रोवाइडिंग फॉर द सपोर्ट्स इन द एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स।
और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एनी ऑफ द एफोरसेड ऑब्जेक्ट्स। अगर इनकी काउंसिल देखा जाए तो NSDF की, तो जो चेयरमैन होते हैं, तो फिर चेयरमैन होंगे कौन होंगे, मिनिस्टर, यू खुद यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के होंगे, और बाकी जो बाकी सब जो अदर मेंबर्स होंगे वो सब एक सेक्रेटरी होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर सेक्रेटरी फाइनेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ के होंगे वो सब इट विल बी फ्रॉम फिक्की CII अशोचम के से मेंबर्स रिलेटेड, इन सब के मेंबर्स इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, जो भी इस इन सब की कमेटी के काउंसिल के मेंबर्स होंगे। तो ये है मेंबर्स, ठीक है। मेन क्या याद रखना, मिनिस्ट्री किसके अंदर है, डिपार्टमेंट कौन सा है, चेयरमैन कौन होता है, और इसका रोल क्या है, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम और द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो फिर इन्होंने नो फ्लाई की लिस्ट निकाली है, तो फिर जिस तरीके से बहुत सारे लोग बेकार हरकतें कर देते हैं और कुछ भी सिविल एविएशन मतलब फ़्लाइट में उल्टा सीधा कह देते हैं, तो उससे उसके मद्देनज़र रखते हुए तो सिविल एविएशन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाया नो फ्लाई लिस्ट के लिए। तो इसका एक पूरा कम से कम 5 मिनट का एक मतलब लेक्चर होगा कम से कम, क्योंकि बहुत डिटेल में, और मैं अच्छे से एनालिसिस करूँगा इसके बारे में, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो फिर उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो का आपको लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ, सो डैट उसके लिए एक पूरा अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आए, सो डैट दे शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज़। तो डैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।